हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अभी से शुरू चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ एक मोबाइल पे एक टाइम एक से ज्यादा ऐप में कैसे वर्क कर सकते हो। जैसे हमारी विंडो में होता है, हम हमारे पीसी में होता है, हम एक स्क्रीन को मिनिमाइज कर लेते हैं, साथ साथ में हम दूसरा वर्क करते रहते हैं। जैसे फ्रेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो होम स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो मतलब मुझे मैं यूट्यूब खोल रहा है। जैसे मैं यूट्यूब खोल लिया, इसको हम होम स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये स्प्लिट स्क्रीन होगी। साथ में मैंने व्हाट्सएप खोल लिया तो आप देख रहे हो ऊपर ये जो ये यूट्यूब चल रही है तो ये ऐड आ गया। इसको आवाज को मैं थोड़ी वॉल्यूम को कम कर लूं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। और नीचे हम किसी को भी, मान लो भी किसी के से भी हम व्हाट्सएप पे चैट करना चाहते हैं, साथ साथ में हमारी चैट भी चल रही है, हम देख रहे हैं चैट में थोड़ा टाइम लग रहा है, उस वक्त में हम कुछ और चीज देखें तो हम उसको कैसे देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, हम इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं जहाँ से हम दिखाते हैं भी अभी। जैसे यूट्यूब पे हम कुछ और भी चीज सर्च करनी है, जहाँ हम बैक आते हैं, जहाँ हम जहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ पंजाबी, ठीक है, पंजाबी सर्च कर लिए, जहाँ से सर्च बटन भी चल रहा है, ये पंजाबी सॉन्ग आ गया। ठीक है, आप इस तरीके से कैसे वीडियो बना सकते हो, मतलब कैसे आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो, ऐसी कौन सी सेटिंग है जिससे आप साथ साथ में एक टाइम दो वर्क कर सकते हो। इसमें जरूरी नहीं आपने व्हाट्सएप या यूट्यूब भी चलानी है, ये मैं आपको इसको बैक करके दिखाता हूँ ऊपर वाले को। अगर आपने जहाँ से कुछ और चीज और करनी है, मतलब कुछ और चीज आप चलाना चाहते हो, मान लो गूगल को चलाना चाहते हो, तो जैसे मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। गूगल को ओपन करने के बाद जहाँ लॉन्ग प्रेस करेंगे होम की को और जहाँ स्प्लिट स्क्रीन आ गया है, जहाँ पे अगर हम कोई भी चीज और कुछ खोलना चाहते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ जहाँ पे मैं एक मौज ऐप खोल लेता हूँ, ये मौज ऐप भी साथ साथ में रन होती रहेगी तो बैक टू स्प्लिट स्क्रीन पे आ जाते हैं हम। ये देखो ऊपर ये गूगल आ गया, जहाँ से हम कुछ सर्च मारना चाहते हैं और जहाँ से मान लो ये ऐप मेरी चल नहीं रही, और जहाँ से हम जो मौज ऐप है उसको भी हम साथ साथ में काम देख सकते हैं, जो भी चीज हम देखना चाहते हैं। तो इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अपने फोन में इसको ला सकते हो, इसके लिए आपने फ्रेंड मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपको मैं साथ साथ में आपको साथ जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसके बाद हम इसको मैं यहाँ ऊपर एग्जिट का बटन है, मैं स्प्लिट स्क्रीन को एग्जिट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये सेटिंग कैसे होती है, आप कैसे इसको कर सकते हो। इसके लिए फ्रेंड आपने सिंपली अपने फोन में जाना है, मेरे पास फ्रेंड रेडमी का फोन है, रेडमी में फोन में ये सेटिंग कहाँ पे है ये तो आपको लाइव दिख रही है। अगर आपके पास किसी और कंपनी का फोन है तो उसमें भी आप बटन शॉर्टकट का एक ऑप्शन आता है, अगर मिल जाता तो ज्यादा बढ़िया, अगर नहीं मिलता आपको लगता है सर इस तरीके की वीडियो बनाओ, मैं उस फोन की भी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको मिल नहीं रहा। ठीक है फ्रेंड, जहां से जैसे रेडमी के फोन में जहां सेटिंग में सर्च ऑप्शन होता है, जहां से हम जैसे सर्च करेंगे बटन, ठीक है, तो बटन शॉर्टकट से जहां से भी हम इसको ढूंढ सकते हैं। अगर आपको जहां से भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ढूंढने में, अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ एडिशनल सेटिंग रहती है। ठीक है, एडिशनल सेटिंग पे जाएंगे, थोड़ा सा हम अगर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जहां पे ये लिखा हुआ बटन शॉर्टकट, हम इसको जैसे ओके करते हैं तो जहां पे फ्रेंड ओपन स्प्लिट स्क्रीन का एक ऑप्शन आता है, इसको हम जैसे ओके करेंगे तो ये नन रहता है। ठीक है फ्रेंड, इसको हम ऑन करने के लिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं, लॉन्ग प्रेस, होम बटन, जो आपके सामने ये होम बटन जो बीच वाला बटन है, अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारी स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी और आधी स्क्रीन पे हम कोई दूसरा वर्क कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया लॉन्ग प्रेस टू मेनू बटन, जो मेनू बटन होता है इस साइड वाला, उसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, तो बैक बटन से भी हम स्प्लिट स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। और जहां से हम लॉन्ग प्रेस को ऑन कर देंगे तो जैसे भी हम कोई वर्क, मान लो हम सेटिंग ही खोली हुई है, साथ में हम कोई कुछ चीज और चलाना चाहते हैं तो लॉन्ग बटन को ओके करेंगे तो ये स्प्लिट स्क्रीन आ गई। जहां से हम जो भी कुछ व्हाट्सएप चलाना है, यूट्यूब चलानी है, कोई भी चीज काम करना है, जहां से हम कर सकते हैं, है ना फ्रेंड, बड़ी कमाल की ट्रिक। आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो फ्रेंड, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्राइबर से और आपके सपोर्ट से एक उत्साहित मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और ला सकूं। मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।